अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं आज आपको UFI बॉक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसका सेटअप कैसे डाउनलोड किया जाता है और UFS के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग आप देख रहे हैं, आपको बॉक्स में क्या क्या चीज़ मिलेगी। अब जब आप खोलेंगे तो आपको दो पिन फाइंडर, एक बॉक्स और केबल मिलेगी। ये UFI बॉक्स है, ये क्वालकॉम के CPU के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी भी CPU बहुत अच्छा, आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल है वो EMC के ज़रिए हो रहे हैं, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, लिनोवो हो गया, टेक्नो हो गया, तो काफ़ी सारे जो नए मॉडल हैं वो EMC के लिए से क्लियर हो सकते हैं। उसके लॉक है, पैटर्न लॉक है, ये बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आप काविये से पिन फाइंडर के जंपर लगा सकते हैं EMC के सॉकेट के, तो सबसे बेहतर डिवाइस यही UFI है। देखिए, ये डब्बे से क्या निकला है, एक बॉक्स है, दो सॉकेट हैं, एक केबल है और एक वो EMC जंपरिंग वाली स्ट्रिप है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को आखिर तक देखते रहो कि इसका सेटअप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। UFI की अपडेट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं EMC के हवाले से, और काफ़ी महंगे तरीन और लेटेस्ट मॉडल इससे हो रहे हैं। ये मार्केट में अभी तो नई नहीं है, काफ़ी अभी पुरानी होगी ये डिवाइस, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है और इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। सबसे करना आपने पहले यूँ है, आपने क्या नेट को गूगल खोलना है, गूगल में आपने लिखना है UFI सेटअप, ये देखिए UFI बॉक्स उसकी वेबसाइट है, आप उस पर चले जाएँ, उनकी जो ऑनलाइन सपोर्ट पे तमाम सेटअप पड़े हैं, आप उनसे सेटअप उधर से डाउनलोड कर लें। देखिए, ये UFI की ऑफिशियल साइट है। हाँ, ये डाउनलोड पे आ जाएँ, हाँ डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड पे तो आपको इसकी हर अपडेट मिल जाएगी और सबसे पहले वाली अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपने आपको इंस्टॉल करनी है। ये इसकी पहली लेटेस्ट अपडेट है, ये लिंक रखा हुआ है उन्होंने, और इस अपडेट में जितने भी मॉडल ऐड किए हुए हैं, देखिए दूसरी अपडेट है, इसमें काफ़ी सारे मॉडल ऐड किए हुए हैं उन्होंने। ये टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आपने लेटेस्ट सेटअप इंस्टॉल कर लेना है और उसके अलावा इसके पिन फाइंडर वगैरह की भी इंस्टॉल कर लेने हैं, और इसके कार के ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेने हैं। सारे सेटअप जब डाउनलोड हो जाएगा, उनको फाइल को पिनारा से एक्सट्रैक्ट करें और बारी बारी तमाम सेटअप को चलाते जाएं। पहले आप मेन सेटअप चलाएँ, ठीक है। पिन फाइंडर में उन्होंने जितने मॉडल वो सपोर्ट उन अपडेट में दिए हुए हैं, उनके उन्होंने पिन आउट भी यहाँ इमेज दी हुई है। अगर कोई इमेज आपको नहीं मिलती तो परेशान ना हो, आप गूगल पे उसको सर्च कर लें, जैसे ओप्पो A3 ऐसे A5 ऐसे A5 A3 है, इनके अगर को आपको पिन VCC और CMD CL के ये पिने नहीं मिलती, पॉइंट पिन आउट पॉइंट नहीं मिलते, तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उन्होंने सेटअप फाइल में भी ये तमाम पिन फाइंडर तमाम मॉडल के दिए हुए हैं। जैसे लिनोवो है A560, देखिए उन्होंने वो इसका जो ऐड किया हुआ है पिन फाइंडर,
सबसे ये मसला ये है कि ये सेट खोल के आप पिन फेंडर पॉइंट्स पर पॉइंट्स लगाएंगे तो इससे ईएमसी इसकी फ्लैशिंग में आसानी होगी। ये डिवाइस ज़्यादातर सेटों को सपोर्ट जो करती है वो सेट खोल के उसके बोर्ड में पिन फाइंडर वगैरह पिन और जो पॉइंट हैं वो लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बारीकी का काम है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इससे आप लेटेस्ट तरीन जो मॉडल जो किसी भी डिवाइस में अपडेट नहीं हुए वो आप ओप्पो है, वीवो है, लिनोवो है, टेक्नो है और एक्सुमी है, सैमसंग है, ये तमाम ब्रांड के जो लेटेस्ट मॉडल हैं जो कहीं किसी डिवाइस पे अपडेट नहीं हुए आप यूएफआई से अपडेट हैं। आप इसके ईएमसी का भी सेटअप चला सकते हैं, ईएमसी में सारे सेटों को अलग कर सकते हैं और यूएफआई के मेन सेटअप में भी आप तमाम सेट केबल से कर सकते हैं। बेहतर है ये इसकी ओरिजिनल केबल यूज़ करें। अगर आपके पास क्वालकॉम मल्टी केबल है या जिग हैं क्वालकॉम के तो वो इस्तेमाल करें। बस आपने सिर्फ सेटअप को डबल क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाना है और नेक्स्ट 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 करते जाना है। ये सेटअप ऑटो इंस्टॉलेशन है, थोड़ी देर में ये देखिए सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सारी फाइलें खोल खोल के देखनी है और सारी फाइलें इंस्टॉल करनी है। जब सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपको इसका आपका यूएफआई लॉगिन पासवर्ड होगा वो आपको देना होगा। जब फर्स्ट टाइम आप मेन सेटअप को खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपका लॉगिन पासवर्ड आपको जो दिया है वो देंगे, आपका मेन सेटअप खुल जाएगा। इससे आप तमाम सेट तमाम मोबाइल को फ्लैश और प्रोग्राम और अनलॉक और कर सकते हैं। देखिए ड्राइवर उठा रहा है, बॉक्स के ड्राइवर हैं, कार्ड के ड्राइवर हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। इंस्टॉलेशन का तरीका भी बहुत आसान है इसका। नेक्स्ट ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गए इसके, अभी आपने रन नहीं करना, आप इसको सिर्फ बंद कर दें सब पूरे सेटअप को तमाम सेटअप को। अभी जैसे आप यूएफआई पे डबल क्लिक करेंगे अभी ये मेन पेज खुल गया है। आप इसे स्टार्ट करेंगे या आपका लॉगिन पासवर्ड देंगे यहाँ आप अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे, मैं अपना लॉगिन पासवर्ड दे रहा हूँ। जैसे कुमारा बैक्स में लॉगिन पासवर्ड देते हैं वैसे ही इसमें भी हर यूज़र को इंटरफेस के लिए लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है। प्रोसेस पे क्लिक कर दिया, देखिए थोड़ा सा प्रोसेस होगा, इसके बाद मेन पेज ये देखिए आपका मेन पेज ओपन हो गया है। देखिए अब खोल गया है, ये मेन सेटअप खोल गया है। इसमें देखिए सारे टैब हाईलाइट हो गए हैं, आप कोई भी टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मॉडल को लिस्ट निकालें, जो भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे उसी पे मूव करना, जो भी वर्क करना है आप कर सकेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।